जी बेटा, लेट अस डू बेटा द सेम टॉपिक दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने जो करना है बेटा उसमें हमने डिफरेंशियल कल क्वेश्चंस किए थे एक्सरसाइज में, वही आज हमने करना है, उसी को कंटिन्यू करना है। मिसलेनियस एक्सरसाइज और अभी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो और डिस्कस करेंगे, एक दो क्वेश्चंस। ठीक है बेटा, तो हम लोग जो कर रहे थे 9.6 कर रहे थे, और देखें तो हमने कल 8th क्वेश्चन स्टार्ट करना था। मैंने आपको करवा दिया था और बताया था कि डीएक्स करके हम सेपरेट कर सकती हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद, अगेन मेरे पास जो है 10th क्वेश्चन, देखिए फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 9.6, 10th क्वेश्चन बेटा। ओके, तो क्वेश्चन इज एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1। अच्छा, अब यहाँ अगर हम ये करेंगे ना, ये हमारे सिलेबस में नहीं है बेटा, दिस क्वेश्चन इज नॉट इन आवर सिलेबस। रीजन, अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स प्लस वाई करूंगी, देखो इसको मैं सेपरेट नहीं कर पा रही हूँ। एक्चुअली ये डी एक्स बाई डी वाई, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो जहां पर भी डी एक्स बाई डी वाई, जितने क्वेश्चंस हैं दीज आर नॉट इन आवर सिलेबस दिस टाइम। ठीक है, ये सिलेबस में नहीं है। जहां पर डी वाई बाई डी एक्स से नहीं हो रहा, डी एक्स बाई डी वाई से हो रहे हैं ना, 3-4 क्वेश्चंस है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। ओके, क्लियर। जितने भी, और आई थिंक 10th 11th 12th वो इसी पर बेस्ड है, तो नो नीड टू डू दैट क्वेश्चंस। चलिए, तो अब मैं बताने लगी हूँ हमारे पास जो है, लेट अस डू द क्वेश्चन नंबर 13th बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13th, व्हाट दे हैव रिटन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज 13-15, फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग द गिवन एंड जो है कंडीशन। तो मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई टेन एक्स इक्वल टू साइन एक्स, और मेरे पास y इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाय 3। ओके, तो अब बेटा देखिए मेरे पास यहाँ पर क्या है, व्हाट इज रिटन हियर, क्लियर कट मैं देखू y एक ही है। मैंने कल भी बताया था, अगर y एक हो, सिर्फ एक, तो बेटा, या x एक हो तो वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। एक्स एट वाला, एक वाला हमारे सिलेबस में नहीं है, तो वाई ओनली सिंगल टर्म इज देयर। तो इसको मैं कंपेयर करूं तो डी वाई बाय डी एक्स प्लस जो है पी वाई इज इक्वल टू क्यू। अब वाई को छोड़ के जो बचा वो क्या है, वो पी है, और इधर क्या होता है, क्यू होता है। पी और क्यू पहले फाइंड आउट कर लिया, और हमें पता भी है कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज ई इंटेग्रल पी डी एक्स। ओके, तो ई इंटेग्रल पी की वैल्यू 2 tan x dx बेटा। अब बेटा सबसे बड़ी बात है कि हमें जो है डेरिवेट इंटेग्रल पता होना चाहिए। ओके, तो मेरे पास जो है, आपको पता है कि टेन एक्स का जो डेरिवेटिव है वो लॉग मॉड, आप लोगों ने किया हुआ है सीकेंट एक्स, या माइनस लॉग कॉस एक्स, आप कोई भी जो है अप्लाई कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, बट मैं हमेशा बच्चों को कहती हूँ कि ट्राई टू प्रेफर द जो आपको लगता है कि आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, जो इजीली अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, लॉग मॉड जो है ई पावर 2 लॉग मॉड सेकेंट एक्स, मॉड हटा भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपको पता है एम लॉग एन जो है वो लॉग एम की पावर एन, जब स्केयर आ जाएगा तो वो मॉड वैसे ही खत्म हो जाता है इसीलिए। ठीक है, अब लॉग और ई कैंसिल, मेरे पास क्या बचा, सीकेंट स्केयर एक्स। मैंने जानबूझ के सीकेंट वाला लिया, आपको पता है क्यों, क्योंकि मुझे पता है टेन एक्स कहीं ना कहीं आ जाएगा माइंड में, उसका डेरिवेटिव सीकेंट के तो इंटीग्रेशन में हेल्प हो जाए इसीलिए। क्लियर। चलिए अब मैं क्या करती हूँ, सोल्यूशन कल भी हमने किया था,
वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो मेरे पास क्या है, सीकेंट स्केयर एक्स इज इक्वल टू इंटेग्रल क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डीएक्स। अब प्रॉब्लम लगती है कि अरे इसको कैसे करें, इसका इंटेग्रल बता सकते हो, बहुत इजी है। कैसे है, मैं ये सीकेंट स्केयर है एक छोड़ दिया तो मैंने सीकेंट एक्स ओवर कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है, साइन बाय कॉस टेन ओ सीकेंट सॉरी यहां पर बचेगा है ना, टेन एक्स सीकेंट एक्स किसका इंटेग्रल होता है मेरे पास जो है सीकेंट एक्स का, आपको पता है ना, तो इसीलिए मैंने इसको टेन बना दिया तो इसका आंसर आया सीकेंट एक्स प्लस सी, सीकेंट एक्स प्लस सी। अब बेटा हम क्या करेंगे यहाँ पर, क्योंकि मुझे पर्टिकुलर सोल्यूशन भी निकालना है, तो मेरे पास ये बना y secant square x is equal to मेरे पास जो है secant x plus c, okay? तो अब बेटा x की वैल्यू पाई बाय थ्री पुट करो और y की वैल्यू जीरो पुट करो, जब मैंने ये जीरो पुट की ये जीरो हो गया इज इक्वल टू, अब x की वैल्यू secant पाई बाय थ्री 60, secant 60 की वैल्यू जो है मेरे पास टू होती, ओके okay? तो मेरे पास जो है सी की वैल्यू माइनस टू आई, ओके okay? अब सी की वैल्यू माइनस टू आई तो इसका मतलब यहां पर दोबारा माइनस यहां पर पुट कर दीजिए माइनस टू एंड यू विल गेट योर आंसर, बस काम खत्म। क्लियर होगा बेटा सबको हमने कैसे ये क्वेश्चन किया, मैं बार बार कह रही हूं, बस इसमें एक चीज याद रखनी है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर इंटेग्रल पी डी एक्स और सोल्यूशन y into integrating factor is equal to integral q into integrating factor, बस काम कर, ठीक है। चलिए now let us do the statement question, ठीक है, हम कोई भी छोड़ नहीं सकते, तो let us do the statement question। अब मेरे पास जो है statement question में क्या है, question number 16th देखिए, let us see question number 16th, find the equation of the curve पासिंग थ्रू द ओरिजन, उन्होंने कहा है कि ऐसी कर्व निकालिए जो ओरिजन से पास हो रही है, और उन्होंने कहा है गिवन दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, अब स्लोप ऑफ द टेंजेंट कैसे निकालते हैं बेटा, स्लोप मींस डी वाई बाय डी एक्स, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो है बेसिकली दैट इज इक्वल टू एट एनी पॉइंट, उसने बताया एक्स वाई दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट पॉइंट्स, तो दैट मींस कौन सा कोऑर्डिनेट पॉइंट जिस पे है x प्लस y सम ऑफ द कोऑर्डिनेट पॉइंट्स, अब क्लियर कट है वेरिएबल सेपरेबल ये हो नहीं सकता, होमोजीनियस ये है नहीं, यहां पावर वन यहां है ही नहीं, काम खत्म, तो रह कौन सी है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आपको पता है डी वाई बाय डी एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू एक्स मेरे पास जो है, ओके। अब बेटा क्लियर कट है p माइनस वन क्यू मेरे पास x, तो क्या होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरे पास जो है e इंटेग्रल p dx, तो e इंटेग्रल p की वैल्यू माइनस वन और dx, ठीक है ना, तो मेरे पास e माइनस x आ गए। अब सॉल्यूशन निकाले तो क्या होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो कितना निकाला मेरे पास e minus x is equal to integral q into integrating factor dx, okay? तो by parts calculate कीजिए, मेरे पास जो है वो कैसे हो जाएगा y into integrating factor is equal to, अब by parts लगेगा ना I late के हिसाब से, ये algebraic first exponent second, तो मेरे पास जो है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटेग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटेग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटेग्रल ऑफ फर्स्ट एज इट इज इंटेग्रल ऑफ सेकंड माइनस वन भी आएगा और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटेग्रल ऑफ सेकंड डीएक्स, तो मेरे पास माइनस एक्स ई पावर माइनस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस ई पावर माइनस एक्स का ई पावर माइनस एक्स बाय माइनस वन, ठीक
ठीक है जी, प्लस से। अब उसने कहा हुआ है कि दिस कर्व पासिस थ्रू ओरिजिन, यानी वो किसकी बात कर रहा है, वो पर्टिकुलर पर्टिकुलर सोल्यूशन की बात कर रहा है। अगर वो पर्टिकुलर सोल्यूशन की बात कर रहा है तो दैट मींस एक्स भी जीरो वाई भी जीरो बेटा, ठीक है ना। तो पूरे सोल्यूशन में आप क्या करो, यहाँ पर जो है पुटिंग एक्स जीरो वाई जीरो, आपने पुट किया जीरो जीरो समथिंग पावर जीरो, मेरे पास वन हो जाएगा। तो मेरे पास जो है सी की वैल्यू, यहाँ जब वन पुट किया मेरे पास इधर माइनस वन हो गया और उधर जाके वो प्लस वन हो गया, तो सी की वैल्यू वन आ गई। तो दोबारा सी की वैल्यू यहाँ वन पुट कर दीजिए, यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ ए कर्व। समझ आई बेटा स्टेटमेंट, क्वेश्चंस को, एप्लीकेशन को आपको खुद ही देखना है। बस यहाँ पर क्या देखना है आपने कि यू हैव टू चेक कि हाँ उसमें पर्टिकुलर पूछा है कि हमारे पास जनरल पूछा है। अगर कोई पॉइंट दिया है जिसपे वो कर्व पास होता है तो दैट मीन्स आपको क्या करना है, पर्टिकुलर निकालना है। नहीं दिया तो जनरल सोल्यूशन निकाल के काम खत्म कर दिया, ठीक है बेटा, क्लियर। चलिए लेट अस डू द नेक्स्ट सेवेंथ क्वेश्चन, सेवनटींथ क्वेश्चन। कभी मैं सिर्फ स्टेटमेंट बना दूंगी, अब मैं सॉल्व करना नहीं बताऊंगी, ठीक है। वो मैंने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत सारे बता दी, तो लेट अस डू सेवनटींथ। मेरे पास जो है, हाँ जी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट, उसने कह दिया कि इस पॉइंट से पास कर रहा है, गिवन दैट द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व, जो है सम दैट मींस मेरे पास जो है एक्स प्लस वाई, उसने कहा है एक्सीड द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट मतलब डी वाई बाई डी एक्स एट ए पॉइंट बाय फाइव, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एट फाइव। बस उसने डायरेक्टली नहीं दिया मुझे, उसने ऐसे स्टेटमेंट को मोल्ड कर दिया, क्लियर कट है डी वाई बाई डी एक्स जो है इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस फाइव। तो मेरे पास जो है इधर डी वाई बाई डी एक्स माइनस फाइव इक्वल टू एक्स माइनस फाइव। अब आपके पास ये पी माइनस वन हो गया, क्यों ये पूरा हो गया, बात समझ आई बेटा, क्लियर, समझ आ गई बेटा, एनी डाउट टू एनी वन। चले बेटा, अब बेटा अगर मैं एक्सरसाइज में देखूं नेक्स्ट मिसलेनियस में, ठीक है, तो एक तो हमारा पहले मैं बता दूं जो पिछली एक्सरसाइज की है 19th क्वेश्चन, दैट इज नॉट इन अवर सिलेबस, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डी एक्स बाई डी वाई वाली टाइप का ही है, तो दैट मींस हम वो नहीं कैलकुलेट कर सकते क्योंकि सिलेबस में टॉपिक डिलीटेड है। 19th क्वेश्चन बिल्कुल डिलीट कर दीजिए अपना, ठीक है। और उसके बाद एग्जाम्पल फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, एग्जाम्पल 25 की, वो भी डिलीटेड है, ओके। अब आपको एग्जाम्पल 26 बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कॉन्सेप्ट इसमें कि बच्चों को पता ही नहीं चलता कि ये इतना इजी क्वेश्चन है ना, कैसे फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, उसने कहा है फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन log डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3x प्लस 4y, ओके। तो डी वाई बाय डी एक्स, क्योंकि log के अंदर हम निकाल नहीं सकते, तो log बेटा जब उधर जाता है ना तो ये a की पावर बन जाता है, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। बस आगे तो करना ही बहुत इजी, आगे तो वेरिएबल सेपरेबल हो गया, ये एड कब होती है जब बेस सेम होता है, तो मैं इसको ऐसे कर सकती हूँ, ठीक है जी। अब इसको सेपरेट कर दो, ये वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन बन गया आराम से। तो हमारे पास क्या आएगा, व्हाट वी विल गेट हियर, सी वन बाय ई पावर फोर वाई डी वाई ई पावर थ्री एक्स डी एक्स, ओके जी, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं। इसको ऊपर ले जाएंगे e पावर माइनस फोर वाई, हो गया ना वेरिएबल सेपरेबल, समझ आई बेटा सबको, ये स्टेप क्लियर हुआ। लॉग जब भी उधर जाता है वो e में कन्वर्ट हो जाता है, e कभी भी दूसरी तरफ आती है
तो वो लॉग में ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, क्लियर। एक तो ये इंपॉर्टेंट था। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल 27 देखिए, व्हाट इज, मैंने आगे भी आपको होमोजीनियस में ये बात बोली थी, एक होमोजीनियस को हम डिग्री से चेक करते हैं, एक मेरे पास जो है जब भी एग्जाम्पल 27 में देखिए एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स जो है वाई साइन वाई बाय एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इंटू एक्स कॉस जो है वाई बाय एक्स। बेटा मैं तो देख के समझ गई हूं, मुझे क्लियर कट पता है कि क्योंकि कॉस और साइन के अंदर y by x है ना, तो ये होमोजीनियस इक्वेशन है और y by x को मैंने v पुट करना है। बट पुट करने से पहले बेटा हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना होता है। उसके लिए क्या होता है, मुझे dy by dx चाहिए एक साइड पे। ठीक है, तो उसके लिए मैंने आगे भी आपको बताया था, या तो पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को dx से डिवाइड कर दो, सबसे इजी dx से डिवाइड करोगे तो ये x dy by dx माइनस y, इधर y sin y by x, इधर y प्लस x d, ये सबसे इजी रहता है। ओके, अब क्या करो, dy by dx वाली टर्म एक तरफ ले आओ, बाकी सारी तरफ दूसरी तरफ ले जाओ। तो मेरे पास क्या आएगा, जब मैं देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, एक्स वाई साइन वाई बाय एक्स डी वाई बाय डी एक्स, ओके ये इससे मल्टीप्लाई करो। ठीक है, दूसरी साइड लेके आओगे तो माइनस एक्स स्क्वायर जो है और कॉस वाई बाय एक्स डी वाई बाय डी एक्स, अब बाकी सारी टर्म इसको इससे मल्टीप्लाई करो, वाई एक्स कॉस वाई बाय एक्स माइनस, अब ये इधर माइनस है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा y स्क्वायर साइन y बाय x। ओके जी, ये dy बाय dx कॉमन ले लो, dy बाय dx इधर रखो, इसको नीचे ले जाओ। बस ये दिमाग में रखना कि इतना मुझे पता चल गया ये होमोजीनियस है, बट सबसे बेस्ट तरीका है कि इंस्टेड ऑफ ओपनिंग ऑल पहले dx से डिवाइड कर दो तो वो dy बाय dx। अच्छा मैं बार बार कह रही हूँ, अगर यहाँ x बाय dy होता ना तो आप x बाय y को v पुट करते, ठीक है, और वहां से x की वैल्यू निकालते और यहाँ पर वो dx बाय dy होना था, तब dy से डिवाइड करोगे ना कि dx से। इन चीजों का बस होमोजीनियस में ही है इस चीज का ध्यान रखना, और तो किसी में यही। ओके, साइन के अंदर अगर x बाय y होता है, हमारी एक्सरसाइज में क्वेश्चन मैंने आगे भी बताया था। ओके, आई थिंक नाउ यू आर एबल टू डू इट। ठीक है, चलिए नाउ लेट अस डू, मेरे पास जो है मिसलेनियस एक्सरसाइज। ओके, ये छोटी छोटी बातें थी जो मैंने एग्जांपल में कवर की हैं आपके, तो सुनिए फटाफट ये मिसलेनियस एक्सरसाइज मेरे पास जो है। हाँ जी, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन इंडिकेट्स इट्स ऑर्डर एंड डिग्री, वेरी इजी टू टेल। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट बात, डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, कौन बता सकता है कि इसका ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है, जल्दी फटाफट बेटा, हु विल टेल मी व्हाट विल बी द डिग्री एंड द ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई नहीं, वेरी नाइस, किसी में हिम्मत नहीं है बताने को, माय गुडनेस, प्लस टू सी। हाँ जी रसिका, ओके लक्ष्य, यस टू, हाँ जी डिग्री कितनी है और ऑर्डर कितना मैम, टू, टू मेरे पास ऑर्डर है, डिग्री मैम डिग्री भी टू ही आएगी। नो बेटा रसिका, क्या करते हो, देखो ये ऑर्डर है ना, सेकंड ऑर्डर है, हाईएस्ट ऑर्डर है ना, इसकी पावर कुछ नहीं है, तो पावर कितनी है, वन, तो दैट मींस जो है ऑर्डर मेरे पास जो है वो टू है लेकिन डिग्री वन है। ठीक है बेटा रसिका, चलिए लेट अस डू द थर्ड पार्ट। देखो
let us do the third part of this question. If I see, mere paas jo hai d4 y by dx4 minus sine d3 y by dx3 equal to 0. Order and degree mere paas jo hai. Order kitna hai? Jaldi jaldi. हाँ जी लक्षित, ऑर्डर कितना बेटा इसका? मैम ऑर्डर इसका 4 है और डिग्री नॉट डिफाइंड. बिल्कुल नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये मेरे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब जिसमें पॉलिनोमियल टाइप नहीं है, ठीक है ना. यहाँ साइन के अंदर डेरिवेटिव आ गया, तो पॉलिनोमियल टाइप डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, तो इसीलिए स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, आप कुछ भी कह सकते हो. तो इसीलिए ये इसका ऑर्डर जो है वो डिफाइंड, ऑर्डर डिफाइंड है, डिग्री डिफाइंड नहीं है. ठीक है बेटा जी, आई थिंक यू आर एबल टू डू फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, तो उन्होंने लिखा है वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शन इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस और नहीं. क्या करोगे? फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, सेकंड डेरिवेटिव निकालो, लेफ्ट हैंड साइड पुट करो वैल्यूज, राइट हैंड साइड अपने आप आ जाएगा. दैट इज क्वाइट इजी. ये तो आपने डेरिवेटिव वाले चैप्टर में भी, डिफरेंशिएशन में भी ये पूरी एक्सरसाइज की हुई है. क्वेश्चन नंबर थर्ड ओके एंड फिफ्थ, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन है, दैट इज नॉट इन अवर सिलेबस. तो अब देखिए जरा, हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ, है ना. अब ये मिक्स क्वेश्चन है ना, हमने देख रहा है कि कौन सी इस पे फॉर्म लगनी है. तो लेट अस सी, प्रूव दैट x square minus y square is equal to c into x square plus y square power 2 is the general solution of the differential equation x power 3 minus 3xy square into dx, y cube minus 3x square y into dy, where c is the parameter. अब उन्होंने कहा है कि मेरे पास प्रूफ कीजिए, यानी आंसर दिया हुआ है आपको, है ना, यानी सॉल्व करो इसको तो ये आंसर आना चाहिए. अब मैंने तो मेथड देखना, अगर मैं मेथड देखूं बेटा, मेरे पास मैं डी वाई बाय डी एक्स ले आऊं, एक्स और वाई मेरे पास सेपरेट नहीं हो रहे, दैट मीन्स मेरे पास ये वेरिएबल सेपरेबल नहीं है, ठीक है. लीनियर भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक एक्स या एक वाई है ही नहीं, कितने सारे एक्स हैं, कितनी सारी वाई है, रह गया होमोजीनियस. चेक करूं, पावर थ्री, वन प्लस टू पावर थ्री, पावर थ्री, पावर थ्री, सारी टर्म्स की पावर थ्री है, 100% ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है. तो मेरे पास डी वाई बाय डी एक्स अगर मैं निकालू, तो मेरे पास एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वायर ओवर मेरे पास जो है y क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई. याद है? अब क्या करेंगे हम लोग, वही y बाय x इज इक्वल टू v, x y इज इक्वल टू एक्स v, उसके बाद डी वाई बाय डी एक्स फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, ठीक है, प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, वो वन ही रहना, ओके. और y की वैल्यू वी एक्स, और ये सब्स्टिट्यूट करोगे, उसके बाद वेरिएबल सेपरेबल लगा दो, ठीक है. मेथड पता होना चाहिए. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे पास, क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, क्योंकि फिफ्थ सिलेबस में नहीं है, मैं पूरी इंटीग्रेशन नहीं बताऊंगी, मैं सिर्फ यही बताऊंगी कौन सा मेथड लगता है मेरे पास जो है. अब अगर आप देखोगे तो मेथड में सिक्स्थ में, ठीक है, find the general solution of the differential equation dy by dx plus under root 1 minus y square over 1 minus x square equal to 0. Homogeneous तो ये है नहीं, दिख रहा है यहाँ xy की कोई टर्म नहीं है यहाँ, ठीक है, लीनियर ये हो नहीं सकता, वेरिएबल सेपरेबल ही है, क्लियर कट नजर आ रहा है. dy by dx क्या करेंगे बेटा, अंडर रूट ये अलग अलग कर दे और उधर ले जाए, तब ये लीजिए, अब डी वाई के साथ इधर, डी एक्स के साथ इधर, तो मेरे पास क्या बना, माइनस वन बाई अंडर रूट वन माइनस वाई स्केयर डी वाई और डी एक्स बाई अंडर रूट,
साइन इनवर्स का दोनों तरह फॉर्मूला लग जाएगा, यू विल गेट इट। नेगेटिव कॉमन ले लोगे तो साइन, नहीं लोगे तो कॉस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, क्लियर बेटा? पता चला सबको कि ये वेरिएबल सेपरेबल का है। ऐसे ही बेटा मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 7th, 8th, 9th ये सारे वेरिएबल सेपरेबल पर बेस्ड हैं, आप करिए जरूर। ठीक है, अब जो है 10th, क्लियर कट e की पावर में x ओवर y है, e की पावर में पता चल रहा है होमोजीनियस है। ठीक है, पुट x बाय y v, आगे क्या होता था, x और मेरे पास जो है y में एंड में होमोजीनियस बनता था ना, अब y की वैल्यू पुट करते थे। अब यहां पर y और v में वेरिएबल सेपरेबल होगा। ठीक है जी, क्लियर? अब बेटा 10th क्वेश्चन देखिए, 11th, डिफरेंट फ्रॉम ऑल द क्वेश्चंस, सी बेटा व्हाट दैट क्वेश्चन इज। क्वेश्चन नंबर 11th, फाइंड अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x माइनस y dx plus dy is equal to dx minus dy। अब बेटा यहां पर दिया हुआ है, आगे पर्टिकुलर दिया है तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं। बेटा आप जिस मर्जी मेथड से इसको सॉल्व करना शुरू कर दो, आपकी इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगी, आपकी प्रॉब्लम आएगी। आपको मुझे कैसे पता चलता है कि इसमें पहले सब्स्टिट्यूशन होनी है, जो भी टर्म है जैसे x माइनस वाई या x प्लस वाई, और ऐसा ही उसका डेरिवेटिव इधर कहीं एडजस्ट होता। अगर देखूं तो ये dx dy सेम सेम, तो ऐसे क्वेश्चन में अगर आप y x माइनस वाई को t ले लीजिए तो हमारा क्वेश्चन करना बहुत इजी हो जाता है, बहुत इजी हो जाता है। ओके, तो वो कैसे होगा, मैं यहां पर जो है अगर डेरिवेटिव कर दूं तो चाहे मैं dx से ले लूं, किसी दो वेरिएबल में कन्वर्ट होना है, आपकी मर्जी है। आप x इज इक्वल टू t प्लस y पुट कर दो, आपकी मर्जी है, आप y ले लो, किसी दो वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, जैसे मर्जी कर। अगर आप y x को खत्म करना है ना, तो dx by dy से डेरिवेटिव कर दो। अगर y को करना है तो आप क्या करोगे, dy by dx को कैलकुलेट करना। वो यहां से जजमेंट हो जाती है कि किसको हमने पुट करना है और क्या करना है। पहले कलेक्ट जरूर करनी है ओपन करके, नहीं तो यहाँ पर मैं dx से अगर डिवाइड कर दूं सबको तो x माइनस वाई ये 1 प्लस dy by dx, ये देखो, और इधर मेरे पास हो गए 1 माइनस जो है यहां पर dx by dx 1 हो गया ना, और ये dy by dx। अब dy by dx वाली टर्म्स इकट्ठी कर लो, जब आप इकट्ठी करोगे तो मेरे पास x माइनस वाई, इसको ओपन करो x माइनस वाई, ठीक है, और ये भी इधर आ जाएगा प्लस 1 और dy by dx इधर क्या रह गया 1। अब पुट कर दो, मेरे पास dy by dx लेना है तो यहाँ पर dx से डिवाइड किया, जब मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास क्या आ गया dx से, यहाँ पर dx का जब x से करेंगे तो 1 dt by dx और dy by dx, तो dy by dx की वैल्यू 1 माइनस dt by dx। ओके, तो मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगा t माइनस 1 dy by dx की वैल्यू 1 माइनस dt by dx इक्वल टू 1। अब क्या हो जाएगा, वेरिएबल सेपरेबल, बस कोई भी प्रॉब्लम नहीं। ठीक है बेटा, ऐसे क्वेश्चंस 4 मार्क्स में हमारे बनते। ठीक है, अगर अब आप देखोगे नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, क्लियर कट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्लियर कट। बट कैसे पता चला मुझे, मैं आपको बताती हूँ, जरा देखिए, ये भी मैं बताना चाहती हूँ। क्वेश्चन नंबर 12th भी डिफरेंट है, देखिए e पावर माइनस 2
ओवर रूट एक्स माइनस वाई रूट एक्स, ठीक है जी। और ये है डी एक्स बाय डी वाई इक्वल्स टू वन। अब बेटा वाई एक है, होमोजीनियस ये है नहीं, वेरिएबल सेपरेबल ये है नहीं, तो लीनियर वाई एक है। जब वाई एक होता है वो डी वाई बाय डी एक्स वाली टाइम होती है, तो इसको मैं उधर ले जाऊं, जब मैं इसको उधर लेगी तो ये डी वाई बाय डी एक्स। अब इसको मैं इधर ले आऊं तो ये इधर आई, तो ये प्लस में हो गई। ये लो ये क्यू हो गया और पी वन बाई ए हो गई, हो गया ना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। थोड़ा सा हमें चेंज करना सीखना पड़ेगा, ठीक है, और कुछ नहीं। अदरवाइज ये क्वेश्चन हमारे पास बहुत इजी। 14th क्वेश्चन देखोगे तो वेरिएबल सेपरेबल का है, 15th क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेबल का। अब जैसे ये 15th क्वेश्चन है, ऐसा केस स्टडी में बन के आ सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि केस स्टडी से प्रोबेबिलिटी में से ही आनी, डिफरेंशियल में से भी आ सकती है। जितने स्टेटमेंट क्वेश्चन है दैट मे माइट बी कन्वर्टेड इनटू केस स्टडी, तो बी प्रिपेयर फॉर दैट। ओके बेटा, क्लियर, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अब मैं कुछ कहना चाहती हूँ बेटा, जस्ट लिसन टू मी।